नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। विषय आज से 5-6 साल पुरानी है। उस समय मैं साधना के कारण, साधना में एक जोगिनी साधना करने के लिए आसाम में भ्रमण कर रहा था और वहीं पर एक स्थान लेकर के मैं रुका हुआ था। एक दिन वहां के जो गांव के लोग हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि एक गांव की महिला है जो कि प्रेत बाधा से पीड़ित है और वो विचित्र हरकतें करती है। वो दिन भर ठीक रहती है, रात में वो भागने की चेष्टा करने लगती है और जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो 5-6 लोगों को तो एक बार में संभाल सकती है, किसी को पटक दे, किसी को मार दे। और सुबह सूर्यास्त या रात्रि तक उसका स्वभाव बहुत ही सौम्य रहता है। तो प्रथम दृष्टया जो मुझे समझ में आया कि इस औरत ने किसी न किसी ऐसे चीज को स्पर्श कर दिया हो, किसी ऐसे बंधन को लांग दिया होगा या कोई ऐसा साइन दिया होगा जिससे कोई बुरी आत्मा को इनविटेशन मिला होगा और वो इसके शरीर पर आड़ उड़े। मैं जब उनसे मिलने गया तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने बोला, उसके पति ने बोला, किसी के भी बोलने से वो मान नहीं रही थी कि वो मुझसे मिलेगी। वो सुनाई दे रहा था, अंदर से वो बोल रही थी कि औघड़ों पे मुझे विश्वास नहीं है, किसी भी औघड़ से मुझे नहीं मिलना है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये किसी ना किसी प्रभाव में, हालांकि सुबह था और वो बिल्कुल ही और लोगों से जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति बिहेव करता है वैसे ही वो सब लोगों से व्यवहार कर रही थी। तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक था और ये गांव वालों के लिए भी आश्चर्यजनक था। क्यों? क्योंकि इस औरत का पहले भी झाड़फूक हो चुका था, मतलब उस क्षेत्र में जितने ओझा गुनी मौलाना थे सब ने आकर के अपना अपना शक्ति प्रयोग किया था, लेकिन ये रात होते ही इस पे कुछ सवारी होती थी और ये निकल जाती थी। तो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ता हूँ तो मैंने और तरह के सवाल भी उनके घर वालों से किया कि क्या ये उत्पीड़ित रहती है, क्या इससे आप ज़्यादा काम करवाते हो, ये सोच के कि हो सकता है कि ये मानसिक रूप से परेशान हो और उस परेशानी में ऐसा कर रही हो। ये सब अपना होते रहा और महिला ने पूरा विरोध कर दिया कि मैं इस व्यक्ति के सामने नहीं जाने वाली। घर वालों और गांव वालों के सामने कोई और उपाय नहीं था तो उन लोगों ने बोला कि रुको, इसको हम बांध के आपके सामने लाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विश्वास होने लगा कि अरे ये सबके सामने चली जाती है, सबको धमकियां देती हैं, जितने अभी तक ओझा गुनिया है इसके सामने क्यों नहीं जा रही है। इसका कारण ये नहीं था कि मैं बहुत शक्तिशाली था, इसका कारण अभी ना मुझे समझ में आ रहा था ना गांव वालों को समझ में आ रहा था। मैं तो खुद उस समय एक साधक था, मैं आज भी साधक हूं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नहीं महिला है, आप ऐसा ना करें, अगर ये रिजॉल्व होने वाला होगा तो मैं कर दूंगा, इसमें कोई भी शक्ति प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसी गांव के दूसरे किसी घर पे जा कर के रुक गया और जिस समय इन लोगों ने बोला था उस समय मैं उस घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। चीजें बिल्कुल शांत थी। जिस समय उन लोगों ने बोला था उस समय वो औरत निकली नहीं और उस रात वो जो घटना थी वो घटी ही नहीं। तो मुझे और ज्यादा शक हो गया कि ये जो औरत है ये नाटक कर रही है और इसको कहीं ना कहीं ये आभास है, क्योंकि
ये एक पढ़ा लिखा तांत्रिक इसको देख रहा है, एक पढ़ा लिखा साधक इसको देख रहा है, तो हो सकता है कि वो पकड़ ले कि ये नाटक कर रही है। अब मेरा जो ये विश्वास था ये पूर्णतः गाढ़ा होने लगा। घर वालों ने बताया दूसरी रात सुबह कि ये पूरे समय दरवाजे को टकटकी लगा के देखते रही, लेकिन ये कभी भी उससे बाहर नहीं निकली। लेकिन ये भी सत्य था कि ये बहुत परेशान थी और रात भर दरवाजे को देख रही थी। मतलब इस ओर से अंदर से वो देख रही थी दरवाजे को, बाहर से मैं देख रहा था, उसके प्रांगण के बाहर खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह गया फिर वो औरत विरोध में कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जाना नहीं है। गांव वाले परेशान, घर वाले परेशान, मैं भी परेशान। दूसरा दिन हो गया, साधना छूट रहा था। मैं रुका रात में, फिर लोग आए कि चलो आज देखना वो ज़रूर निकलेगी, और मैंने मना कर दिया। मैंने बोला जब निकल जाए तब आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको पता है मैं गांव में हूँ, मैं वो नहीं नहीं निकलने वाली। लेकिन वो निकली आज, और वो जब निकली तो उसको तीन चार लोग बांधे हुए। वो भाग किस तरफ रही थी? वो भाग रही थी श्मशान की तरफ। ठीक है, तो मुझे बताया गया, छोटा सा गांव था, मैं दौड़ के पहुंचा। वो बहुत रोष में थी, मुझे देख के और ज़्यादा रोष में आ गई। जो अपना गुरु पद्धति था गुरु परिवार का, उससे मैंने उसके हाथ को पकड़ा, उंगली को पकड़ा, उसको शांत किया। वो अचेत होकर के वहाँ गिर गई, और साथ में मेरे मैं एक माला धारण करता था, वो टूट गया। इससे ये समझ में आया कि ये जो भी शक्ति है, एक तो इसके ऊपर शक्ति आड़ूड है, ठीक है, और दूसरा ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि इसको ये आभास था कि मैं बाहर बैठा हूँ, इसको ये आभास था कि मैं इसको देख रहा हूँ रात में, ये बाहर नहीं निकली। और आज क्योंकि मैं इसके घर के आसपास नहीं था, ये निकल गई। लेकिन जब इसको मैंने उतारने का कोशिश किया तो मेरी एक सिद्ध माला टूट गई। सिद्ध माला टूटने का अर्थ होता है कि आप पे किसी ने शक्ति का प्रयोग किया है और उसको, उस शक्ति को आपकी शक्ति ने रोका है। ठीक है, तो सिद्ध माला मेरा टूट गया, तो मैं चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि एक ही माला या एक ही शक्ति मैंने सिद्ध करके रखी नहीं थी। उस समय तो भ्रमण करता रहता था, काम ही यही था। जब ये शांत हो गई, इसको मैंने घर पहुंचाया, इसके दरवाजे पे मैंने एक भैरव बंधन किया, और फिर मैं श्मशान की तरफ बढ़ गया। श्मशान में एक जो वहां का डोम था वो बैठा हुआ था, और आग जला करके वो बैठा हुआ था, और कुछ तो उसने शराब पिया हुआ था, तो वो बहुत कुछ बात करने की स्थिति में नहीं था। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ कोई औरत आती है क्या, क्या करती है? उसने बोला हाँ आती है। क्या करती है? अरे करती होगी कुछ, यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग अंतिम बार आते हैं, मैंने तो यमराज को भी देख रखा है, वो भी आते हैं यहाँ पे। और ऐसी भ्रामक बातें वो करने लगा। मैं समझ गया कि ये शराब के नशे में और जो ग्रामीणों को डराने का एक तरीका है उसमें ये है। मैंने उसको बोला तुम सुबह आकर के मिलना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो उसने बोला महाराज जी सुबह तो आप दोगे, लेकिन अभी आप श्मशान आए हो तो डोम राजा को आपको कुछ देना चाहिए। मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, ये आसामी में बात हो रही थी या जो भी उनका लोकल डायलेक्ट था उसमें वो बताना चाह रहा था। तो मैंने उसको एकदम, जिस गांव में लोग 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देते हैं, मैंने उसको 500 रुपये निकाल के दे दिए, ताकि उसके नशा फटने के बाद भी वो याद रखे कि उसे मुझसे मिलना है। वो पैसे लेकर खुश हो गया। मैं वहाँ से निकल गया, मैंने इन लोगों को बोला कि मुझे 2-3 दिन का समय दो, उसको मैं ठीक करता हूँ, ये घर से अभी नहीं निकल पाएगी, और मैं उस औरत का बंधन तब तक नहीं करूँगा जब तक जो भी आत्मा उसमें है वो निकल नहीं जाती। तो दूसरे दिन वो खोजता हुआ मेरे पास पहुंचा डोम। उसने बोला प्रभु जी आपने बोला था कि कुछ देंगे। देखो जब कोई साधक, कोई औगड़, कोई तांत्रिक जब बोल दे कि मैं कुछ देने वाला हूँ तो लोग ललाहित हो जाते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि कितना ज़्यादा इसके झोले से निकल जाए, ये खोल के अपना रुद्राक्ष मुझे दे दे, ये
माला मुझे दे दे, ये भस्म मुझे दे दे, ऐसा लोगों की मानसिकता रहती है। ये वो नहीं समझते कि जब भी कोई साधक या कोई औघड़ अगर मान ले, अगर वो कुछ अपने हाथ से दे देता है तो उसमें कई शक्तियों का स्पर्श होता है, तो आप उसको संभाल सकोगे कि नहीं संभाल सकोगे, ये हब पे होता है, तो ये लेना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। मैंने बोला बैठो बैठो, उसको कारण दिया, उसको बैठाया और फिर ऐसे ही बात बात करने लगा। मैंने बोला मैं तो ऐसे स्मशान साधना ही करता हूँ। तो बोला आप थोड़ी बहुत हैं यहाँ जो करते हैं। अच्छा और क्या होता है यहाँ पे? तो बोला कि अभी भी एक साधक यहाँ पे थे और कहीं साउथ से आए थे, क्योंकि उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी मुझे, और कल रात ही वो गए। उन्होंने बोला कि मेरा काम खराब हो गया, मैं यहाँ अब नहीं आऊँगा, और वो बोल के चले गए। उन्होंने अच्छा ये कौन से साधक थे? तो बोला कि यहीं पे गांव में ये भीख मांग मांग के खाते थे और पिछले 2-3 महीने से यहाँ थे। कल रात ये जब हम शराब पी रहे थे उस बीच में ये उठे, कुछ कुछ अपनी क्रियाएं की। उन्होंने बोला कि जो साधना में करने आया था, जो सिद्धि में करने आया था, वो खराब हो गया, तो अब मैं इस धरती पर नहीं लौटूंगा, इस स्थान पर नहीं लौटूंगा, ये अभिशापित है, ऐसा बोल के वो चले गए। और ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं। तो बात आई गई हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये विषय आया कि ये व्यक्ति अचानक कल रात में ही क्यों भागा, ये साधक आगे क्यों गया। इसके बारे में और मैंने कुछ कुछ पता किया तो पता चला कि नहीं, ऐसे ही ये जो है बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था, ना विमर्श करता था, सिर्फ गांव घुसता था, कुछ घरों से भिक्षाटन करता था और फिर जाके सो जाता था। तो मुझे लगा ये तो आम औघड़ की दिनचर्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा इस विषय में मैं आगे बढ़ा कि ये कहाँ कहाँ जाता था, क्या क्या साधसिद्धियाँ करता था। एक बार श्मशान भी गया मैं, वहाँ की का भी व्यवस्था देखा जहाँ वो रुकता था। तो वहाँ पर कुछ ऐसी सामग्री मिली जिससे कि मुझे एक शक हुआ कि ये किस साधना के पीछे पड़ा हुआ था। मैं वापस उस पीड़िता के घर गया और उसके घर वालों से पूछा कि यार ये व्यक्ति आपके यहाँ भीख मांगने आया था? तो जो पति था, जो ससुर था, जो देवर था, इन लोगों ने बोल दिया नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति आया नहीं हमारे यहाँ। लेकिन घर की महिलाओं ने बोला कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति 2-3 बार हमारे यहाँ भोजन लेने आया था, और वो जो भोजन लेने आता था तो सिर्फ भोजन लेके चला जाता था। एक बार उसको हम लोगों ने बैठाया था, उसको जलपान भी कराया था, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था कि आपके घर में कोई बहुत करोड़पति निकलने वाला है और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे तो आपके घर में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो हमने बैठा के उसको भोजन वोजन करवाया था और कुछ पैसे द्रव्य दे करके उसको विदा कर दिया था। तो ये वही व्यक्ति था। मुझे थोड़ा सा इस बात पे एतबार नहीं हुआ। मैंने उसको बोला कि आप लोगों को उसने कुछ दिया भी था क्या? तो बोला हाँ, उस औघड़ ने जो बड़ी बहू, मतलब जो अभी पीड़िता है, उसको एक ताबीज़ दिया था और बोला था कि इस ताबीज़ को पहनने से आपको गर्भ धारण होगा और आपको बहुत परम प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो नर्स था वो पकड़ा गया। मैंने उसे वो ताबीज़ मंगवाई, बहुत अच्छे से उस ताबीज़ को एक काले कपड़े में लपेट के उसको सिल के दिया गया था, और ये महिला उसको अपने हाथ में धारण करती थी, और जब आप उसको छूते तो उसमें पता चलता था कि कुछ पत्ते वत्ते हैं, जैसे कि भोजपत्र और कुछ और था। तो मैंने उस महिला से पूछा, वो अभी भी अंदर बैठी हुई थी लेकिन पहले से थोड़ी नॉर्मल थी उस रात के बाद। मैंने उससे पूछा कि आप अगर आप आधिपत्य हैं इस ताबीज़ की, आप अगर बोले तो मैं इस ताबीज़ को खोल दूंगा। तो उन्होंने बोला आप खोल सकते हो। जब उसको खोला तो अंदर से एक छोटी सी हड्डी की टुकड़ी निकली और उसके ऊपर ये पत्ते वत्ते बांध के इसने ऐसा कर दिया था कि वो पकड़ में ना आए। फिर जब मुट्ठी बंद किया, ध्यान किया, तो समझ में आया कि इस में एक मसान बांध करके उस औघड़ ने इस औरत को दे दिया था अनजाने में। मतलब औरत अनजानी थी, औघड़ को पता था वो क्या कर रहा है। और इस मसान का प्रयोग ये था कि ये महिला जो है उसके प्रति मोहित रहे और जिस भी साधना में उसको इसका प्रयोग करना था वो कर पाए। मैंने उस
मसान के टुकड़े को लिया, उसको उसी रात जा करके मसान में फिर जिसको कहते हैं बैतरणी पार कराना, उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया, और जो वो टुकड़ा था उसके शरीर का उसको मैंने जल प्रवाहित कर दिया। बाकी जितनी सामग्री थी सबको जला दिया, उसका जो सामग्री बचा हुआ था जो उस मशान में वो रहता था उसको भी मैंने जला दिया। फिर भैरव जी के बंधन से उस महिला को बांधा कि कभी कुछ वापस अगर खिलाए पिलाया हो तो भी इस पे वापस ना आए। वो दिन था और आज वो महिला अब स्वस्थ है। अब न वो न उस गांव का कोई व्यक्ति किसी का भी दिया हुआ सामान या सामग्री अपने हथेली गर्दन या घर में नहीं टांगता है। और ये चीज़ आप लोगों भी को भी सीखनी चाहिए कि कोई अगर मुफ्त में कुछ दे तो दुनिया में कभी कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, आसन बंधन दिशा बंधन जो भी गुरु मंत्र से पहले का विधान है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। शुभ है 21 रुपये। मेरे द्वारा लिखे गए लेख और मेरे आगे का कार्यक्रम जानने के लिए www.agortantra.se पर जाइएगा तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, उसमें रुद्रनाथ@tm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महाभैरव काल भैरव रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पे अनंत कृपा बरसाए, से मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।